जुलाई 1914 यूरोप के ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते 4 सालों के अंदर पूरा विश्व इस युद्ध में कूद पड़ा। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए, सैकड़ों बुरी तरीके से घायल हो गए, वर्ल्ड इकोनॉमी शैटर हो गई और हर जगह तबाही फैल गई। इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर 1 या पहला विश्व युद्ध के नाम से बुलाया जाता है। चार साल लंबे इस विनाशकारी युद्ध के होने के पीछे सैकड़ों कारण थे। हालांकि इसका इमीडिएट ट्रिगर था बॉस्निया सर्बियन स्टूडेंट गैब्रिलो प्रिंसेप द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या, जिसके जवाब में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पे आक्रमण कर दिया। अब रशिया की सर्बिया से संधि थी और ये देख रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ जर्मनी की ऑस्ट्रिया हंगरी से मित्रता थी और उन्होंने रशिया के खिलाफ अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। ये देख रशिया के मित्र फ्रांस ने भी एग्रीमेंट के अंतर्गत रशिया की मदद के लिए जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उधर ऑटोमन एम्पायर आज के आधुनिक टर्की का रशिया से 36 का आंकड़ा था और इस वजह से वो भी इस युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से कूद पड़े। अब जर्मनी को यह युद्ध 2 फ्रंट से लड़ना था, ईस्ट में रशिया और वेस्ट में फ्रांस। जर्मनी की सेना तैयार थी और उनके जवाब में रशिया और फ्रांस ने अपने बॉर्डर पे डिफेंसिव स्ट्रेटजी के तहत अपनी सेना तैनात कर दी थी और ऑफेंसिव की तैयारी में वो अपनी सेना जुटा रहे थे। जर्मनी बीच में घिरा हुआ था, उसे फ्रांस और रशिया के ऑफेंसिव से पहले कुछ करना था। इस वजह से उन्होंने श्लिफन प्लान के तहत एक योजना बनाई जिसके मद्देनजर 70% सेना को फ्रांस पर भेजने का प्लान बनाया गया। इस सेना को लाइटनिंग स्पीड से फटाफट फ्रांस को अपने कब्जे में करना था। तब तक ईस्ट में 30% जर्मन सेना को रशिया के आक्रमण से अपने आप को बचा के रखना था। फ्रांस को फटाफट जीतने के बाद 40% सेना को वापस ईस्ट में रशिया के खिलाफ सरप्राइज काउंटर अटैक के रूप में भेज दिया जाता। इस काउंटर अटैक के साथ साथ 30% वाली डिफेंसिव सेना भी सडनली आक्रामक हो जाती और रशिया की कमर तोड़ देती। ये प्लान भारी मात्रा में स्पीड और कम्युनिकेशन पे निर्भर करता था, मगर फ्रांस का बॉर्डर काफी वेल प्रोटेक्टेड था, इसे तोड़ने में काफी समय लग जाता। इस वजह से जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसने का प्लान बनाया। बेल्जियम सेना के मामले में कमजोर मुल्क था। जर्मनी ने बेल्जियम के किंग अल्बर्ट 1 से उनके लैंड से गुजरते हुए फ्रांस में घुसने की इजाजत मांगी। उनके मना करने पे 4 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम पे आक्रमण कर दिया। बेल्जियम पे आक्रमण होते ही ब्रिटेन ने जर्मनी को 1839 ट्रीटी ऑफ लंदन के तहत पीछे हटने को कहा। जर्मनी से कोई जवाब ना मिलने की वजह से ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन की इस लड़ाई में कूदते ही ब्रिटिश कॉलोनीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे भी इस जंग में शामिल हो गई। 10 लाख इंडियन सोल्जर्स यूरोप, एशिया और अफ्रीका की तरफ रवाना हो गए। अब एक तरफ सेंट्रल पावर थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बल्गेरिया थी और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स थी जिसमें फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर, रशिया और सर्बिया थी। जर्मन फोर्सेस ऑफेंसिव होती हुई तेजी से बेल्जियम में घुस गई और बेल्जियम को डिफेंड करते हुए ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स बेल्जियम और फ्रेंच सेना को उन्होंने आसानी से खदेड़ दिया। जर्मनी का प्लान काम कर रहा था, वो अब नॉर्दर्न फ्रांस में घुस चुके थे और फ्रांस की कैपिटल पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे।
ब्रिटिश और फ्रेंच सेना रिट्रीट पे थी। वो 250 किलोमीटर तक जर्मन्स द्वारा खदेड़ दी गई थी। फ्रांस के लिए अब डू और डाई वाली बात थी। फ्रांस को पेरिस को किसी भी हाल में बचाना था। इस वजह से फ्रांस ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर से कई सेना की टुकड़ियों को बुलाकर रिट्रीट करते फ्रेंच कमांडर जोसेफ जॉफ्रे को वापस रीइन्फोर्स कर दिया और फ्रेंच सेना ने ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ मिलकर जर्मन आर्मी पे सरप्राइज काउंटर अटैक कर दिया। जर्मन आर्मी लगातार ऑफेंसिव होती हुई थकी हुई थी और इस सडन काउंटर अटैक ने उनकी कमर तोड़ दी। जर्मन आर्मी ने पीछे हटना शुरू कर दिया और अलाइड फोर्सेस ने उन्हें लिप्रेस बेल्जियम तक खदेड़ दिया। जर्मनी का श्लिफन प्लान फेल हो गया था, मगर जर्मनी ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने बेल्जियम और नॉर्दर्न फ्रांस में हाई पोजीशन पे ट्रेंचेस खोद मशीन करने लगा दी। स्विट्जरलैंड से समुद्र तक बाव वायर्स लगा दी और एक नई स्ट्रैटेजी बैटल ऑफ अट्रिशन का वर्ल्ड वॉर वन में आरंभ कर दिया। डिफेंसिव पोजीशन और हायर ग्राउंड में जर्मनी की कैजुअलिटीज कम होती और अटैक करते फ्रांस और ब्रिटिश फोर्सेस की कैजुअलिटीज लगभग 10 गुना ज्यादा होती। प्लान सिंपल था, फ्रेंच और ब्रिटिश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार के उनकी सेना को खत्म करना और फिर काउंटर अटैक करना। कर शायद अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स दोनों ये नहीं जानती थी कि 1914 में शुरू किया गया ये युद्ध 4 साल तक और चलने वाला है। इसी जंग में लिप्रेस में 25 साल का जर्मनी का एक नौजवान भी शामिल था जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर।